बीजेपी की परिवर्तन यात्रा समापन की ओर है, लेकिन इस पर होने वाली सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। भूपेश सरकार के नए मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकार वार्ता लेकर 15 साल की बीजेपी सरकार की नाकामियां और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताया। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को नकार दिया है। मरकाम ने यह भी कहा कि भीड़ नहीं आ रही, इसलिए दंतेवाड़ा में अमित शाह अपने तय दौरे पर नहीं आए। उसके बाद भी कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तय तो हुआ, लेकिन वो भी नहीं आए। उनकी यात्रा का फ्लॉप होना बता रहा है कि प्रदेश की जनता परिवर्तन नहीं चाहती है। भाजपा राज में 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों संस्कृति को भुला दिया गया था। भूपेश राज में हालत बदले, अब तीज पोरा, होली, आदिवासी दिवस, माता कर्मा जयंती मनाना शुरू हुआ। आदिवासी परब सम्मान निधि से अब स्थानीय मान्यताओं को संवारा जा रहा है। भाजपा राज में माता कौशल्या और भगवान राम को भी 15 सालों तक भुला दिया गया। कांग्रेस के सरकार में भव्य माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी में बनाया और भगवान राम वन गमन पथ बनाने का काम तीव्र गति से शुरू हुआ। भाजपा राज में गौशालाओं में अनुदान के नाम पर 1,067 करोड़ का घोटाला किया गया। भूपेश राज में 10,000 गोठानों में गौ सेवा का काम शुरू हुआ, जहां लाखों महिला स्व सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो रही है। दिसंबर 2018 में रमन सरकार की विदाई के साथ छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया है। परिवर्तन आ गया है तभी तो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को भूलने वाली भाजपा अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो लगाने को मजबूर हुई है। रमन राज में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी, परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस सरकार के राज में किसान 2640 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट प्राप्त कर रहा है। रमन राज में कुल लगभग 50 लाख टन धान खरीदी होती थी, परिवर्तन हो गया। कांग्रेस राज में 107 लाख टन मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है, इस वर्ष 125 लाख टन मीट्रिक टन की खरीदी होगी। रमन राज में सिर्फ 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का नियम बना, फिर 15 क्विंटल किया, विरोध के बाद परिवर्तन हो गया। भूपेश सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। भाजपा के राज में किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करते थे, परिवर्तन हो गया। भूपेश राज में 20 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ का कर्ज माफ हो गया, किसान खुशहाल हो गया। भाजपा के रमन सरकार के समय राज्य में बेरोजगारी दर 22% थी, उसमें परिवर्तन हो गया। भूपेश राज में 0.5% रह गई है। रमन राज में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद थी, परिवर्तन हुआ। भूपेश सरकार में पिछले 5 सालों में लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों में युवकों की भर्ती किया गया, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर थे। कांग्रेस के राज में 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा हो गए, लगभग 42 लाख से अधिक लोगों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राहत बिजली बिल में भूपेश सरकार ने दिया है। रमन राज में तेंदुपत्ता संग्रहकों को मात्र 2500 रुपए मानक बोरा मिलता था, परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार उसको बढ़ाकर लगभग 4,000 रुपए देती है। भाजपा शासन काल में 7 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में होती थी, परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार में 67 वनोपज खरीदी हो रही है।